जय मां बिंदवासिनी, मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा दैनिक राशिफल में आपका स्वागत करता हूं। आप बायोस्कोप न्यूज चैनल देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम में दैनिक राशिफल के साथ दैनिक पंचांग और मैं विशेष रूप में हनुमान जी के बारे में बताऊंगा। हनुमान जी से संबंधित उनका पूजा पाठ मंत्र जो भी है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आज बहुत ही मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आज का दैनिक पंचांग बता रहा हूँ। 14 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार और आज का नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र 11:35 तक, उसके बाद पूर्वाखाड़ नक्षत्र चल जाएगी। आज राहु काल दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 तक राहु काल रहेगी। राहु काल में किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य का शुरुआत नहीं करें, कोई लंबी दूरी की यात्रा नहीं करें और किसी भी प्रकार का कोई कार्य का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। राहु काल में कोई कार्य का शुरुआत करने से बहुत ही विघ्न बाधा का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं मेष राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। मेष राशि वाले जातक, आज आपका दिन अच्छा नहीं है। आज आपको किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी से वाद विवाद हो सकती है और यदि आप पर पहले से कोई सरकारी मुकदमा केस है, कानून के उलझन में आप फंसे हुए हैं तो आज आपके विरुद्ध वारंट भी जारी हो सकता है और आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। कानून के व्यू में आज आप फंस सकते हैं तो आज आप सावधान रखें, अपने काम से मतलब रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई उल्टा पुल्टा कार्य से मतलब नहीं रखें और किसी से भी कोई प्रकार का आज बहस नहीं करें। आज आपका काम धंधा अच्छा नहीं चलेगा। बिजनेस व्यापार में भी आज मंदी का दौर जारी रहेगा। आज आपसे कुछ कस्टमर लूज भी हो सकते हैं और आज आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आज आपको नुकसान हो सकता है। आज आपको अपने दिन को बेहतर, अच्छा और शुभ बनाने के लिए आपको हनुमान कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको कुछ न कुछ समस्या में राहत अवश्य मिलेगी। अब मैं वृष राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। वृष राशि वाले जातक, आज आपका दिन अच्छा है। आज आपको धन का लाभ होगा। कहीं से न कहीं से कोई पुराना डूबा हुआ धन भी आज आपको मिल जाएगा, जिसका आपको दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं होगा। आज आपका बिजनेस व्यापार, काम धंधा, रोजगार, नौकरी अच्छा चलेगा। जो भी आप काम करें उस काम में आज आपका प्रोग्रेस होगा, प्रगति होगा और उस काम में आज आप विकास करेंगे। काम धंधे अच्छे चलेंगे, आर्थिक इनकम भी आज आपकी बढ़ेगी। यदि वृष राशि वाले जातक बेरोजगार हैं किसी भी कारण से तो आज उनको रोजगार भी अवश्य मिल सकता है, ऐसा आज आपका गोचर कह रहा है। आप चाहें तो आज इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको आज पर्याप्त लाभ होगा और पहले से जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें भी आज आपको लाभ होगा। आज आपका दिन अच्छा है। गले से ऊपर यदि कोई प्रॉब्लम होगी उसमें भी आज आपको लाभ मिल सकता है। ENT के मामले में आज आपको लाभ मिलेगा। अपने दिन को और बेहतर अच्छा करने के लिए आज आपको ओम सुम शुक्राय नमः या ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का अवश्य ही 108 बार जाप करना चाहिए। अब मैं मिथुन राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। मिथुन राशि वाले जातक, आज आपकी मानसिक परेशानी बढ़ी रहेगी। कोई ना कोई मानसिक चिंता आपको आज परेशान कर सकता है। आज आपका व्यवहार जो है वह तुनक मिजाजी हो जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाएंगे और घर परिवार के सदस्य के बीच भी समस्या उत्पन्न होगा। घर परिवार के सदस्य भी आज आपसे परेशान होंगे और उनको आपका बिहेव बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज आप कोई ना कोई उलझन में मानसिक तौर पर फंसे रहेंगे, क्या करें क्या नहीं करें इस बीच में आप उलझे हुए रहेंगे। आज चूंकि मानसिक रूप से आप अशांत हैं इसलिए आज आप किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें। यदि करते हैं
उसमें आज आपको नुकसान होने का पूरा पूरा योग बना हुआ है। पुराने इन्वेस्टमेंट में आप बने रहे, उससे एग्जिट नहीं हो, नहीं तो वह भी एक नुकसान का कारण बन जाएगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। अपने दिन को बेहतर करने के लिए आज आपको गणेश कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब मैं कर्क राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। कर्क राशि वाले जातक, आज आपका संचय धन जमा पूंजी आज खर्च होगा, जिससे आप बहुत दुखी होंगे और मन में आप उदासी रहेगा। खर्च के बोझ से आपका मन उलझा हुआ रहेगा, मजबूरी में आप खर्च करते जाएंगे लेकिन अंदर से खुश नहीं रहेंगे। हॉस्पिटल पे या गलत चीज़ पे आपका खर्च हो सकता है या आप कोई ठगी का शिकार भी हो सकते हैं, प्रलोभन में आके आज आप ठगे जा सकते हैं, तो सावधानी पूर्वक रहें और कोई लोभ या दिखावा में अपना धन को खर्च नहीं करें, नहीं तो नुकसान होना बिल्कुल तय है। आज आपका काम धंधे का और बिजनेस व्यापार में भी आज तरक्की के बिल्कुल योग नहीं है, मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी और आज आप किसी भी प्रकार का कोई बहस लड़ाई भी आपको आज नहीं करना चाहिए। अपने दिन को बेहतर करने के लिए आज अमोघ शिवकवच का पाठ करना चाहिए और ओम नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए, इससे आपको सुख और शांति दोनों मिलेगा। मैं आपको बता रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी का बहुत रात नाम है, हनुमान जी बोलते हैं, उनको जो है हनुमान माने उनका जो हनु है उनको इंद्र के वज्र के द्वारा प्रहार किया गया था, उसके बाद वो टेढ़ा भी हो गया, इसलिए उनको हनुमान बोलते हैं और वरदान स्वरूप वो बिल्कुल वज्र सा मजबूत हो गया। लेकिन हनुमान जी भगवान शिव के, भगवान रुद्र के 11वें अवतार हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य भक्त हैं। कहा जाता है उनसे बड़ा भक्त श्री राम का कोई नहीं है। जहाँ भी श्री राम का कोई मंदिर या मूर्ति होता है, यहाँ तक कि फोटो में भी, तो हनुमान जी को अवश्य दिखाया जाता है। राम दरबार के फोटो में हनुमान जी का तस्वीर हर कहीं मंदिर हो चाहे कहीं भी हो वो दिखाया ही जाता है। तो राम जी के अनन्य भक्त हैं और वह राम जी को अपना सर्वे सर्वा सब कुछ मानते हैं। हनुमान जी जो है कलयुग में बिल्कुल जीवित देवता के रूप में हैं, माने वह अमर हैं, उनका मृत्यु नहीं हुआ है। और भी बहुत देवी देवता अवतार लिए, एक समय पूरा होने पर वह जीवन चक्र को माने और सृष्टि से वह चले गए, लेकिन हनुमान जी धरती पर ही विराजमान हैं। तो हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली देवता हैं। शनि ग्रह के सारे साथी ढैया महादशा अंतर्दशा में जो शनि का जो प्रकोप होता है उसमें हनुमान जी की कृपा से आपको शांति मिलता है और शनिदेव जो है वह प्रकोप अपना कम कर देते हैं या बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। यह क्यों करते हैं मैं आपको इसी एपिसोड में आगे बताऊंगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सिंह राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। सिंह राशि वाले जातक, आज आपका धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। थोड़े से मेहनत करते हैं तो आज आप अपने आय का स्रोत को दुगुना तिगुना अधिक बढ़ा सकते हैं। आज आपका यदि कर्म अच्छा है तो आज आपको आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा होगा। आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी आज आपको लाभ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आज आपको लाभ होगा। कम काम करने से ज़्यादा सफलता मिलेगी। इनकम के स्रोत आज बढ़ने के पूरे पूरे संकेत हैं। काम धंधे बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें भी आज आपका बिक्री बढ़ेगा, तो आर्थिक इनकम ज़्यादा होने का पूरा पूरा उम्मीद है। तो कह सकते हैं आज आपका दिन बहुत अच्छा है। काम धंधे रोजगार के दृष्टि से आज आपका दिन बहुत ही सकारात्मक और शुभ है। आज यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी लाभ होगा और पुराना इन्वेस्टमेंट यदि आपके पास पहले से है तो उसमें भी आज आपको लाभ बिल्कुल मिलेगा। आज आपको और अपने आप को अच्छा करने के लिए, दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे आपका दिन और बेहतर होगा। अब मैं कन्या राशि जातक बताना चाहता हूँ। कन्या राशि वाले जातक, आज आपका दिन है, आज आप जो कहेंगे जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाग का पूरा पूरा साथ मिलेगा, पिताजी का सहयोग मिलेगा,
काम धंधे अच्छे चलेंगे, बॉस आपके काम से खुश रहेंगे और आज आपका प्रमोशन का योग लगा हुआ है। आज प्रमोशन और इंक्रीमेंट सैलरी में बढ़ोतरी भी हो सकती है और आज आपके काम से आपके जो बॉस हैं बहुत ही प्रसन्न रहेंगे, आपके व्यवहार से आपके कलीग भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, तो आज आपका दिन बिल्कुल अच्छा है। यदि कन्या राशि वाले जातक बेरोजगार हैं तो आज उनको उचित और सम्मानजनक नौकरी भी आज मिल सकता है, कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें भी आज आपको लाभ अवसर मिलेगा, तरक्की के योग बने हुए हैं। अपने दिन को बेहतर करने के लिए आज आपको ओम गणपति नाम का जप अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुला राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। तुला राशि वाले जातक आज आपका भाग्य का पूरा पूरा साथ मिला है, भाग्य के दम पर आज आप सफल हो जाएंगे, काम धंधे रोजगार बेरोजगार अच्छे चलेंगे, जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी भी मिल जाएगी, जो रोजगार करते हैं उनका रोजगार आज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार यदि आपका अपना है तो उसमें काम धंधे का इजाफा होगा, ठेकेदारी के क्षेत्र में भी नए नए प्रोजेक्ट आज मिलने के पूरे पूरे संभावना है। यदि आप मीडिया या फैशन के क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो उसमें आज आपकी तरक्की होगी, आज आपका जो स्टार बढ़ने वाला है, तो कह सकते हैं आज आपका दिन बहुत अच्छा है। आप शेयर स्टॉक प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट चाहे तो कर सकते हैं, उसमें भी आज आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अपने दिन को बेहतर करने के लिए आज आपको गाय को हरा चारा अवश्य देना चाहिए, इससे आपका दिन अच्छा बीतेगा। अब मैं वृश्चिक राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। वृश्चिक राशि वाले जातक आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, आज आपका एक्सीडेंट होने का योग है, खतरा है। आज आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो या आपको अपने से ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, हम तो कहेंगे आज आप यात्रा ही वर्जित कर दो। खान पीन का पूरा ध्यान रखें, सेहत भी बिगड़ सकता है, अचानक तबीयत में खराबी आ सकती है, तो आज आप किसी प्रकार को इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसमें भी नुकसान होगा और दोस्तों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे नहीं तो रिश्ता बिगड़ सकता है। मैं हनुमान जी के बारे में बता रहा था, तो हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं और हनुमान जी सारे साथी या शनि के ढैया महादशा अंतर दशा में किस तरह क्यों माने बचाते हैं, क्योंकि जब लंका का दहन कर रहे थे हनुमान जी तो लंका में आग ही नहीं लग रही थी, तब हनुमान जी ने सोचा कि क्या कारण है जो आग नहीं लग रहा है, तो ये उधर उधर करके उछल के कूदने देखने लगे, तो देखते देखते उनको नजर आया रावण जो है शनि ग्रह को उल्टा करके बांधे हुआ है। तब वहाँ हनुमान जी गए, दोनों आदमी का परिचय हुआ, पूछिए भाई क्या बात है, तो बोला ऐसे ऐसे है जब मुझे आप आज़ाद कर दीजिए। तो हनुमान जी बोले ठीक है मैं आपको आज़ाद कर देता हूँ, तो उन्होंने लंका को जलाने से पहले उनको आज़ाद कर दिए। तो हनुमान ये शनिदेव की नज़र में जो होता है वो बहुत पावर है, जिसको देखते हैं वो बर्बाद हो जाता है, इसलिए शनि मंदिर में कभी जाए तो पूरे सामने से शनि मंदिर नहीं जाया जाता है, क्योंकि उसके आँखें सामने आएंगे दोस्त या निर्दोषी जो भी होंगे उनको बर्बाद होना तय है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो आज आप मेरे जान बचाए हैं मैं आपका कृतज्ञ हूँ, जो भी हनुमान जी माने जो भी आपका भक्त होगा उस पर मैं शनि का साथ साथ ही दया महादशा अंतरदशा में कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा और अपना दृष्टि को मैं कमज़ोर कर लूँगा उस पर। तो इसीलिए कहता हूँ जो ये वरदान मिला हुआ है, इसलिए हनुमान जी का यदि आप पूजा करते हैं तो आपको शनि के दोष दया सरस्वती महादशा में आपको राहत अवश्य मिलता है। यदि अचानक आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा में बढ़ जाए तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अब हनुमान जी का क्या क्या पाठ होता है, क्या क्या पूजा विधि है, तो उन हनुमान जी का जो पाठ है उनमें उनको हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही सुंदर लगता है। हनुमान जी के पाठ से बहुत ही हनुमान चालीसा के पाठ से बहुत ही खुश हो जाते हैं। और रामचरित मानस में जो सुंदरकांड जो लिया गया है, सुंदरकांड तो किष्किंधा कांड से ही चालू हो जाता है, तो वो जो सुंदरकांड है वो सुंदरकांड भी हनुमान जी को बहुत प्रिय है। कहते हैं जो सुंदरकांड का प्रतिदिन पाठ करता है उसका लाइफ सुंदर हो जाता है, इसीलिए उसका नाम सुंदर हो जाता है। चाहे वो आदमी क्यों न पापी या धर्मी हो, लेकिन अधर्मी के बीच में तो धर्म का बीज आ ही नहीं सकता है, इसीलिए मेरे सुनने से यदि किसी को फायदा हो जाए तो करे तो अच्छी बात है। तो कोई भी आदमी किसी प्रकार का हो यदि सुंदरकांड का प्रतिदिन पाठ करता है तो उसका लाइफ सुंदर हो जाता है, ये सुंदरकांड की महिमा है। उसके बाद हनुमान चालीसा हो गया, हनुमानाष्टक 8वां श्लोक होता है हनुमानाष्टक का, इसका पाठ करना भी बहुत शुभ होता है, इससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और बजरंग बाण
बजरंग बाण भी अच्छा है, यदि आपका कोई खतरा है, लगे खतरा है, किसी प्रकार का खतरा हो, जान खतरा हो, चोट डकैत का खतरा हो, सांप बिच्छू का खतरा हो या ग्रहणाचर का खतरा हो, तो आप बजरंग बाण का यदि पाठ करते हैं तो सारा जो है खतरा आपका टल जाएगा। तो और हनुमान जी का जो प्रिय मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः, हौ पर अनुस्वार बिंदु है, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का भी जाप करने से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जिनको रात में घर में अकेले या दिन में घर में अकेले रहने में डर लगता है, उसको इस मंत्र का अवश्य पाठ करना चाहिए। राहु का दहसा मांदसा या अंतर दशा चल रहा हो तो भी आप मंत्र का जाप कर सकते हो। हनुमान यदि किसी आप रोग पीड़ा शत्रु का भय हो तो आप हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए, एक मुखी पंचमुखी या सीधे हनुमान कवच का। उसके बाद हनुमान जी के पूजा के लिए जो रहता है वह चोला चाहिए जाता है, सुनते होंगे पंडित जी बोलते हैं आज हनुमान जी को चोला चाहिए। चोला क्या होता है, आप किसी मंदिर में जाएंगे तो चमेली का तेल, लाल सिंदूर, उसको मिलाकर और जो हनुमान जी के ऊपर लेप के आता है पूरे बॉडी पर, उसको ही चोला बोलते हैं। इससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों का मनोकामना और बात बहुत जल्दी मान लेते हैं, इसीलिए हनुमान जी को चोला जो है बहुत ही प्रिय है। शनिवार या मंगलवार हनुमान जी को चोला अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। और प्रसाद के रूप में उनको लड्डू का प्रसाद बहुत ही प्रिय है, बूंदी का प्रसाद खासकर। बूंदी जो है कहते हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु तीनों का ही स्थान होता है, हनुमान जी को बहुत पसंद है। और हनुमान जी को जब बूंदी लड्डू चढ़ाते हैं तो उसमें तुलसी दल देना आवश्यक है, बगैर तुलसी का हनुमान जी को तृप्ति होता ही नहीं है और हनुमान जी खाते ही नहीं है, इसलिए तुलसी देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तभी हनुमान जी उस अन्न को ग्रहण करते हैं और प्रसाद के रूप में भक्तजन खाते हैं। और जब मैं यही कहूँगा, जब आपको हर चीज़ असफलता मिल जाए, काम करने में दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, समस्या आ जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ निरंतर करते रहिए, आपका काम द्राक्ष हो जाएगा, जो भी समस्या है तो छू मंत्र हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगा। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धनु राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। धनु राशि वाले जातक, आज आपको धन का लाभ होगा, धन आज आपको मिलेगा और आज आपकी गला बिल्कुल सुरीला होगा। यदि आप गायन के क्षेत्र में हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आज आपको मिल सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, लेकिन आज आप लंबी दूरी से यात्रा से भी बचेंगे, उसमें भी एक्सीडेंट होने का खतरा दिख रहा है। काम धंधे अच्छे भी चल सकते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं तो कह सकते हैं आज का दिन बिल्कुल निश्चित है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आज आपको फल मिलने वाला है। आज का दिन न तो उतना अच्छा है और न ही खराब है, आपके कर्म पर दम बिल्कुल निर्भर कर रहा है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आप जो है आज केसर का तिलक करेंगे और ओम नमो भगवती वासुदेवाय का मंत्र का जाप आप 108 बार अवश्य करेंगे। मकर राशि वाले जातक, आज का जो दिन है वह बिल्कुल उतना अच्छा नहीं है, आज आपको अपने जीवन साथी से या प्रेम पे काम से अनबन हो सकता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में खटास आने के पूरे पूरे उम्मीद है और बिजनेस व्यापार भी अच्छा आज आपका नहीं चलेगा, ऐसा आपका गोचर कह रहा है। किसी काम धंधे में आज आपके मन नहीं लगेंगे, आज आप काम छोड़ के भाग भी सकते हो और आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आप आज किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से भी आज आपको लाभ अवश्य नहीं मिलेगा, हानि का ही सामना करना पड़ेगा। तो आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आज आप बिल्कुल सावधानपूर्वक अपना बिहेव करेंगे और अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब मैं कुंभ राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। कुंभ राशि वाले जातक, आज आप बिल्कुल सावधान रहें, रोग शत्रु आज आपको आक्रमण कर सकता है, यदि आप पर किसी प्रकार का कोई शत्रु या रोग का यदि भय है तो आप बिल्कुल आप उसको सीरियसली लेंगे और शत्रु के इलाका मिल जाएंगे, यदि पहले से आप पर कानूनी कार्रवाई कानूनी का फंदा माने पड़ा हुआ है तो आज आप
इधर उधर नहीं जाएंगे तो आज अरेस्ट भी हो सकते हैं, काम धंधा आज आपका अच्छा नहीं चलेगा, काम में संघर्ष रहेगा, आज आपको किसी प्रकार कोई काम में मन नहीं लगेगा, लड़ाई झगड़ा कहीं होगा, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें, अपने काम से मतलब रखें और छिप कर शांति से रहें तो वही आपके लिए श्रेष्ठ है, अच्छा है। अपने काम धंधा को अच्छा करने के लिए और बनाने के लिए आज आपको मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मीन राशि वाले जातक को बता सकता हूँ। मीन राशि वाले जातक, आज आपका दिन जो है बिल्कुल अच्छा है, आज आपको अपने संतान से खुशी मिलेगी, सुखी मिलेगा, संतान के प्रमोशन से, संतान के स्वास्थ्य से जो लेकर जो भी लड़ाई मतलब आपके दिमाग में टेंशन होगा वह दूर हो जाएगा। आज आपका संतान का काम धंधा रोजगार व्यापार सब अच्छा चलेगा। और यदि मीन राशि वाले जातक यदि आप लेखन के क्षेत्र में है तो आज आपका नाम होगा और आज आपका काम धंधे बिजनेस व्यापार सब अच्छा चलेगा। ठेकेदारी के क्षेत्र में है तो ठेकेदारी भी बहुत अच्छी चलेगी। यदि आप बेरोजगार हैं किसी भी कारण से तो आज रोजगार भी आपको अवश्य मिलेगा, धन का भी लाभ होते हुए दिख रहा है। आज आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें लाभ मिलेगा, पुराना इन्वेस्टमेंट यदि पहले से उसमें भी आज आपको लाभ के बिल्कुल बिल्कुल योग दिख रहे हैं। आज यदि आप ठेकेदारी के क्षेत्र में हैं तो आज आपका चेक कैश हो जाएगा और काम धंधे की स्थिति बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छा चलेगा। आज आपको केसर का तिलक करना चाहिए और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए, इससे आपका दिन अच्छा मिल सकता है। आप आयुष को देख रहे हैं, आपका दिन शुभ हो। जय मामू वासनी, धन्यवाद।